गुड मॉर्निंग फ्रॉम आइल ऑफ एरन। तो ये डे ट्रिप करी है हम लोगों ने ग्लासगो से आइल ऑफ एरन के लिए। तो यहाँ पे आने का लिए बहुत ही सस्ता सा ऑप्शन है कि ग्लासगो से आप रिटर्न टिकट लो, जिसमें ट्रेन भी इंक्लूडेड है और फेरी भी इंक्लूडेड है। कितने की टिकट है वो बताएगा तेजस्वी। टिकट है, टिकट कितने की ली थी अपन लोगों ने? देखो, अगर टिकट देनी है तो 11 पाउंड्स स्टूडेंट डिस्काउंट है, वरना 17 पाउंड्स रिटर्न टिकट है, इंक्लूडिंग फेरी एंड ट्रेन फ्रॉम ग्लासगो टू ब्रोडिक। और आप ब्रोडिक आके यहाँ से बस ले सकते हो। तो बसेस आपको ब्रोडिक का जो फेरी टर्मिनल है उसके बाहर उतरते से ही मिल जाएंगी। डे पास कुछ पर पर्सन का अराउंड 4 पाउंड्स कॉस्ट करेगा। एक हमारा फ्रेंड ये है तेजस्वी। तो जो मोदी जी ने पूछा था कि कितने तेजस्वी लोग हैं, तो कितने हैं वो तो नहीं पता, पर उनमें से एक मैंने बता दिया, बाकी बदे जी ढूंढ लो खुद ही। और वहां से सबसे नियरेस्ट जो लोकेशन है वो है ब्रोडिक कैसल। वन वे है ये, इधर से ऊपर जाते हैं बस, नीचे नहीं आते। तो रेडी हो, जी ली अपनी जिंदगी पूरी? जहाँ पे हम अभी हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे और सामने इतना खूबसूरत कैफे है, बहुत अच्छा है। प्राइस देखने के बाद हम हमारे आलू भुजिया पे आ गए, भुजिया खा रहे हैं अभी। पर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सब अपना अपना फूड लेके आए, जो भी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फूड एक्सपेंसिव होगा। अभी हमारे पास ये एक पैम्फलेट है, इसको हम फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करने के बाद जहाँ हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे हम अपने हिसाब से नॉलेज। ये पहला स्पॉट है तो इस पे हमारे पास 2 घंटे हैं। इसमें हमको ये गार्डन बहुत सारा गार्डन फूल फ्लावर्स गार्डन एज वेल, यू कैन गेट स्टूडेंट डिस्काउंट इफ यू आर अ स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट हर जगह मिलेगा, और हम लोग को स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिला है। हम 4 फ्रेंड्स थे, लेकिन जो दादी थी हमारी वो बहुत ही स्वीट थी, तो उन्होंने बोला कि हम तुमको फैमिली कंसेशन दे देते हैं। तो हमको फ्रेंड्स जैसा फैमिली, जो कि सबको पता है कि यूके में फ्रेंड ही होते हैं वही फैमिली होते हैं, तो उन लोगों ने हमको फैमिली डिस्काउंट दे दिया। क्या बात है, दिल जीत लिया। इसी बात पे आपका बैंक से मेरे बैंक में ट्रांसफर करो ना कुछ पैसे। देखो, कंडीशन अप्लाई, फ्रेंड्स फैमिली होते हैं, कंडीशन अप्लाई। ये कुछ तो है, अब क्या है बताओ। गार्डन घूमते घूमते हमको ये 2 जानवर दिखे, एक ये है। गार्डन घूम लिया जो कि बहुत ही एवरेज था, और गार्डन से ज्यादा खूबसूरत गार्डन के सामने का नजारा है।
अभी बज रहे दोपहर के 12, इट्स नहीं 12 नहीं सॉरी 1 बज रहे हैं, थोड़ा सा 12 तो आपके चेहरे के बज रहे हैं, चेहरे के 12 बज रहे हैं और घड़ी में 1 बज रहे हैं और गार्डन घूम लिए हैं, अभी बस का वेट कर रहे हैं दूसरे स्पॉट के लिए, बस यही है जो भी है, अभी नेक्स्ट स्पॉट देखते हैं कैसा होता है और उसके नज़ारे दिखाएंगे। रिटर्न फेरी है शाम को 7 बजे, तो शाम को 7 बजे तक हम फ्री हैं और ऐसे ही मंडराते रहेंगे हम आवारा भंवरों की तरह। This is what Indians do. So we are comparing Isle of Arran with Andaman, right? Is it better or like the same? The Andaman is so much bigger than this Isle of Arran. Sir. Actually, it's better for at least for now. It's better. The only thing I like about boys trip is like now we are going to where we are going to. We're going to Lamblas. Lamblas. And what is it? I don't know. Exactly. So this is the best thing we like about boys trip. We don't know where we are going, but we are still going. We're so let's see. अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। अच्छी चीज ये है ना यहाँ पे कि हर चीज़ ही सुंदर है, मतलब खाली बैठना भी अच्छा लगता है, खाली रोड देखना भी अच्छा लगता है, यहाँ से कार जाते हुए देखना ऐसे करके ये भी अच्छा लगता है। जाकिर भाई वाली बात है कि मज़ा जगह से नहीं आता है, लोगों से आता है, लेकिन जगह के साथ साथ लोग भी हो और लोगों के साथ साथ जगह भी हो तो मेरे हिसाब से मज़ा ज़्यादा आता है। बाकी ये लोग आ गए हैं तो मेरे को कुछ बोलने देंगे नहीं, चल बे। तो ठीक है, अब यही तक था जो था, अब इन लोग को झेलना पड़ेगा मुझे, पर कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए झेल लेते हैं। जय बाबा बर्फ। कैसा लग रहा है ब्रो? कैसा लग रहा है भाई? उठाया ये कलियों का, देखो तीनों वीडियो बना रहे बेचारे को कोई उठा नहीं रहा है। शाम की बज गई है 5 और घूमते घूमते घूम लिया है लगभग सब कुछ और एनर्जी भी हो गई है डाउन। क्या बोलता है तेजस्वी? बहुत डाउन है यार, बहुत डाउन हो गई, ठंड लग रही है थोड़ी सी और घूम भी लिया है। अभी बस बीच पे रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहीं से हमारी फेरी है, 2 घंटे बाद है, लेकिन 2 घंटे क्या करना नहीं पता। तो तेजस्वी डुबकी मारने का बोल रहा है तो डुबकी मार लेते हैं भाई, और कुछ बस एक डुबकी की ख्वाहिश है तो वो पूरी कर देंगे, बस वो सेंसर से पे इसलिए दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन डुबकी मारी जाएगी आज। डुबकी मार दो, 500 पाउंड। ये लड़का कुछ भी कर सकता है, बस इसको पाउंड में चाहिए पेमेंट।